तो बोलूँ। दोस्तों फाइनली वरुण ने अपना सूजी का हलवा बना लिया है। आप थोड़ा लुक देखिए पास से, ये देखिए कितना टेस्टी ये दिखने में लग रहा है। तो अब देखते हैं कि जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है क्या खाने में भी उतना टेस्टी है। दोस्तों बहुत ही लाजवाब हलवा है सही में। दोस्तों बहुत ही लाजवाब हलवा है। हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंडिया स्मार्ट चैनल पे। और आज इंडिया स्मार्ट के चैनल की रसोई में आपका स्वागत है। हर बार आपने खाते हुए देखा होगा, आज हम बनाते हुए दिखाते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल, कुछ टेस्टी और कुछ मीठा वाला। तो आज हमने प्लान बनाया है कि हम सूजी का हलवा बनाएंगे। तो सूजी के हलवे के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और जो बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए वो मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे हमें गार्निश करने के लिए एंड में। शुगर मीठे अपने स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, मैंने 4 चम्मच लिया है। हमें 1 कटोरी सूजी चाहिए और साथ में पानी, आप 1 ग्लास या 2 ग्लास ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, और कुछ घी। तो आप मुझे बताइएगा आप किस तरीके से अपनी सूजी का हलवा बनाते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत और आप लोगों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले तो हम लेंगे सूजी का हलवा, जिसे हमें थोड़ा ब्राउन करना है। अभी ये थोड़ा आप देख सकते हैं वाइट है। तो इसको मैं कढ़ाई में कुछ इस तरीके से डालता हूँ और गैस को करता हूँ ऑन। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और सूजी डाल दी है मैंने इसमें। अब इस सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसे ब्राउन ना हो जाए। इसे ब्राउन होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपने आज किस हिसाब से रखी हुई है, उस हिसाब से ये और जल्दी गर्म हो जाएगा। अभी मैंने आज फुल कर रखी है। कलर हमारा सफ़ेद से कुछ कुछ थोड़ा बदल रहा है हल्का हल्का, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का समय लगता है। वैसे मैंने फ्लेम फुल कर रखी है। तो सूजी का हलवा जो है दोस्तों, खाने के बाद ना अगर आप बना दें फैमिली में तो सब खुश हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा वाइफ। किस तरीके से सूजी मज़े से घूम के लाल हो रही है और हमारी भूख भी और बढ़ रही है। तो जब तक हमारी सूजी लाल हो रही है तब तक हम गार्निश करने के लिए कुछ एलमंड्स को क्रश कर लेते हैं। तो हमारी सूजी अब गर्म हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये अच्छे से लाल हो चुकी है, अब देखेंगे सफ़ेद से हल्का सा कलर बदल चुका है। अब हम इसे ज़्यादा देर करते हुए ना अपनी सूजी को हम बाहर निकालेंगे। देखिए, देख सकते हैं ज़्यादा देर रखने पे ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी। हमारा घी किस तरीके से खोल रहा है, घी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका कटोरी से। अब गरम गरम घी को डालिए, अपने आप करके बाहर आ जाएगा सारा घी। ये हमारी सूजी देखिए किस तरीके से ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से दिखाऊंगा। और ये देखिए किस तरह का हमने सफ़ेद रखी थी और अभी ब्राउन हो चुकी है। सफ़ेद सूजी हमें डायरेक्ट इसलिए नहीं डालनी चाहिए ताकि कच्ची सूजी हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम इसे थोड़ा ब्राउन करते हैं। आटे के हलवे में हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो जब घी की खुशबू अच्छे से धीमे से आपकी नाक तक पहुँचने लग जाए और घी खोलने लग जाए, तो इसमें आप अपनी भुनी हुई सूजी को डाल सकते हैं। अब हमने घी में अपनी भुनी हुई सूजी को डाल दिया था और ये पक रही है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं घी में कितनी स्वाद आ रहा है, हमारा घी एकदम खोलता हुआ हो जाए और जब नाक में खुशबू आने लग जाए तो उसमें अपनी सूजी, भुनी हुई सूजी का आप डाल सकते हैं। और देखिए किस तरीके से ये पक रही है। तो हम इसको तब तक थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसका ये घी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। हमें हलवे को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है,
क्योंकि पानी पानी हलवा फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हमने घी ज़्यादा डाला था, पानी हम कम डाल रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पानी और घी डाल सकते हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम कुछ अपने बादाम और काजू इसी के अंदर घेर के इन्हें और ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ। हमारी रेसिपी थोड़ा सा अलग है, हमारे साथ ही साथ ये काजू और बादाम भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। इसमें एंड में हम गार्निशिंग करने के लिए इनको क्रश करके थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। तो हमारा ये घी के साथ अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे अब चीनी। देखिए किस तरीके से जब ये आप करें तो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पानी डालते हुए थोड़ी कुछ छींटे आप पे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कितना स्वाद वाला ज़्यादा टेस्टी और दिखता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती जा रही है और टेस्टी दिखता जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए अच्छे से लाल हो चुका है ये। अभी मुझे इसकी खुशबू एकदम बंगला साहिब के प्रसाद की तरह लग रही है। तो इसी के साथ हम बोलेंगे वाहेगुरु जी दे खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है अब अच्छे से बनता हुआ जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। ये हमारे चार पांच लोगों के लिए आराम से बन चुका है, तो एक छोटी फैमिली आराम से इस हलवे में खा सकती है। मुझे अभी भी ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, आप चाहें तो इसमें अपना पानी डाल सकते हैं। वैसे तो मुझे गाढ़ा खाने की ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का सा पानी इसमें हम और डालेंगे। अब हमारे ये हलवा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली वरुण ने अपना सूजी का हलवा बना लिया है। आप थोड़ा लुक देखिए पास से, ये देखिए कितना टेस्टी ये दिखने में लग रहा है। तो अब देखते हैं कि जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है क्या खाने में भी उतना टेस्टी है, वो तो अब मैं रिव्यू दूंगा। वरुण जी ने इतनी मेहनत से हलवा बनाया, तो उनके लिए क्लैपिंग तो और उनके लिए लाइक तो बनता ही है। और कमेंट में आप बताइए कि वरुण ने ये पहले हलवा आप घर में टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, और बताइए कि वरुण ने जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी है वो कैसी थी। आपने बनाई होगी तो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि कैसा है ये हलवा वरुण ने बनाया है। तो दिखने में तो जैसे वरुण ने कमेंट करा था बीच में कि गुरुद्वारे का ये हलवा एकदम वैसे प्रसाद लग रहा है, तो देखते हैं कि जैसा दिखने में ये वैसा है क्या टेस्ट में भी वैसा ही होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये मैं पास आपको दिखा देता थोड़ा सा, ये देखिए खुशबू तो दोस्तों बहुत लाजवाब आ रही है। देखते हैं कैसा बना है। एक बार और ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही लाजवाब हलवा है, एक बार आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए और अपने परिवार वालों को खिलाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो मैं सारा खा जाऊंगा, बेचारा वरुण ने बनाया उसको भी देना जरूरी है। तो वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और दिलचस्प रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने सुझाव हमारे साथ व्यक्त जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।